अध्यक्षा मैम को, डॉक्टर ससीवाला मैम आए और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें और कमेंट्स भी। इस सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर शशि तिवारी जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा, मैं तो उसे एक आंदोलन का रूप समझने लगी हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में पेपर प्रेजेंट करना, लोगों का इतना उत्साहपूर्ण कार्यक्रम करना, बहुत ही एक अद्भुत कार्यक्रम आपने चलाया हुआ है। मुझे पता है उसमें कितना परिश्रम होता है, कितना समय लगता है, परंतु हम आपके सभी हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप आए। इस सत्र में हमारे दो मुख्य रूप से वक्ता रहे, आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम, डॉक्टर कॉम कारपेंटियर, यू गेव सच अ so much of clarity about the differences and similarities among the Eastern and the Western perspectives of art, because the perspective is more important. How we look at from the subjective view, how do we have the subjective view and how we have the objective view, and how it is in Western perspective, how the aesthetic principles or the sense of aesthetics, that got changed with the industrialization and commercialization and all these things. It is happening everywhere in India also. Just a few days ago, there was a workshop organized by the same institute, IGNCA, and the problem is how to earn from art. So when you give this as an object, as an aim to the color, to the artist, then the soul of that art is gone. It fades. So it's very important to talk about chaos and order and drawing our attention to all such principles of order within complexity, and showing the paintings and sculptures, and how do we look at beauty, and how beauty is beauty, how, for whom beauty is beauty. So what role a human being plays to understand the beauty is very important. I thank Professor Lannan Prasad Vyas also. Dhanarjan jeevan ki param avashyakta hai, parantu samasya ye ho gayi hai ki hum log aaj keval pranamay kosh की ओर ही हम लोग जो सोच रहे हैं, चाहे वो कलाकार को हम दिशा दे रहे हैं या स्वयं हम लोग सोच रहे हैं, उसमें अन्य जो कोश हैं, पंच कोशों में से हम आनंदमय कोश तक पहुंचने की बात करते हैं, पर उसमें पहुंचेंगे कैसे? धनार्जन हमारे यहाँ सदा से उसकी स्वीकृति रही है, वैभव की, संपन्नता की सदा स्वीकृति रही है। जैसा कि आपने कहा कि वेल्थ कैन कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ऐसे ही हमारे लिए ज्ञान का भी है। आनो भद्रा कृत वो यंतु विशुता, ज्ञान जहां से आए हम उसे प्राप्त करते हैं। हमारे गुरु केवल अपने लिए ज्ञान नहीं था, उनका कोई कॉपीराइट्स नहीं थे, परंतु आज जो है कलाकार को भी कॉपीराइट चाहिए, विद्वान को भी कॉपीराइट चाहिए, ये चीज मैंने लिखी है तो मेरा कॉपीराइट है इत्यादि, तो हम लोग कुछ दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। आपने कहा वेदों में ईश्वर का एक मानवीय स्वरूप जो है वो उस ढंग से नहीं है, हम लोग सकल और निष्कल दोनों रूप में ईश्वर के पुजारी रहे हैं, परंतु वेदों में चाहे वो इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, ऋषि आदि जो भी देवता हैं, उनको उनके स्वरूपों का वर्णन अवश्य है। उनके स्वरूपों का वर्णन हमें अनेक स्थानों पर मिलता है और ऋग्वेद से प्रारंभ हो जाता है। आपने कृषि, पशुपालन आदि की बात कही, साइंटिफिकली होना चाहिए जैसा कि वेदों में है। पशुधन चाहे वो कृषि धन है, दोनों ही जीवन की हमारी अनेक आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं, हमारी आवश्यकता है, परंतु उस धन को कमाने के पश्चात
उसे हमें व्यय कैसे करना है, ये आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आज हम बच्चों को छोटे से छोटे, एक 3-4 साल के बच्चे को एक ऐसी दिशा देना प्रारंभ कर देते हैं कि बेटा ऐसी पढ़ाई करो जिसमें बड़े से बड़ा पैकेज मिले। बेटा उसको ये चिंतन ही नहीं देते कि उसका मन, बुद्धि, उसके उसकी आत्मा, उसका चित्त वो संस्कारित हो, वो और एक अच्छा जीवन में एक अच्छा मनुष्य भी बने, उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए आज हमारी कलाओं के लिए, कलाओं की क्या आवश्यकता है, उसकी अभिरुचि उत्पन्न कैसे करें, जो आपने पैसा कमाया उसको व्यय कैसे करें। तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदा कस्यस्य धनम्। हमने तो उसको त्याग की भावना से उपभोग, उपयोग, जो भी आप कहेंगे, उसकी हम उसके हम उस सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं। जब हम कला की बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैंने बहुत वर्षों तक हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ाया, जापानीज हिस्ट्री ऑफ आर्ट, साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। आज जो कला का रूप है वो बहुत एक संभ्रांत सा कर दिया गया है कलाकार को, जबकि कला तो व्यक्ति की आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। कला तो एक साधना है, कला गुरु से मिलती है, परिवार से मिलती है, व्यक्ति को जन्म से मिलती है। हर व्यक्ति जन्मजात कलाकार होगा, उसके अनेक अनेक प्रकार की कलाएं हैं। कोई व्यक्ति अच्छा संगीत सीख सकता है, कोई अच्छा नृत्य कर सकता है, कोई अच्छी कविताएं लिख सकता है। यदि मैं एक अच्छी कविता नहीं लिख सकती, परंतु माता पिता उसे धकेलते रहते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें बच्चों को यह बताने की परम आवश्यकता है कि कला जो है वो जीवन में उत्कर्ष का सोपान है। उत्कर्ष के साथ साथ व्यक्ति का मन, बुद्धि, केवल शारीरिक नहीं, केवल भौतिक नहीं, पर उसका मानसिक है, उसका बौद्धिक विकास है, उसका आत्मिक विकास है। परंतु आज का कलाकार एक मैड रश में हम लोग चल रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कला से अधिक कमाया कैसे जा सके। उस दिन यहाँ पर ना जाने कितने सरकारी अधिकारी आए हुए थे, सेक्रेटरी कल्चर आए हुए थे। प्रश्न ये था कि कला के माध्यम से कमाया कैसे जाए। मुझे ये लगता है कि कला के साथ साथ जो हमारी कलाएं हैं उनमें अध्यात्म का तत्व था, उसमें धर्म का तत्व था। जैसे जैसे हम अध्यात्म के तत्व से दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग मानव जीवन में सौंदर्य की अनुभूति से भी वंचित हो रहे हैं। सौंदर्य की अनुभूति हमारा मन का विषय है। व्यक्ति को सौंदर्य की अनुभूति स्वयं में है, और कुछ उसे ट्रेनिंग से और ज्ञान से, उसकी उसके शिक्षण प्रशिक्षण से भी आती है। हम लोग उसके साथ साथ, अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि करुण रस भी एक रस है, रौद्र रस भी एक रस है। अनेक प्रकार के रस हमने दिए हैं, हमने स्वीकार किए हैं, हमारे महापुरुषों ने स्वीकार किया है वो, जो ऐसे रस संसार भर में कहीं नहीं है। करुण रस लोग सो कहते हैं, अरे आप रो रहे थे और कह रहे थे बड़ा आनंद आया, उसमें उस फिल्म को देखने का आपने जो करुण रस का आनंद लिया, जिस ढंग से मैं उसको समझती हूँ, वो ये है कि हमारे अंदर कितनी संवेदनशीलता है। आज जो समाज में कमी आ रही है वो आ रही है संवेदनशीलता की। तो कला को हमें रमणीयता, हमारी कलाएं रमणीय भी थी, हमारी कलाओं के कुछ आधारभूत सिद्धांत थे, अभी भी हैं, षडंग जिन्हें हम कहते हैं, उनसे हम दूर नहीं जा सकते। यदि भारतीय कला की जब तक हम बात करते हैं, हम षडंग से दूर नहीं जा सकते। भारतीय कला एक ऐसा युग था जब भारतीय कलाएं सारे संसार में राज्य करती थी। सुदूर दूर से यहाँ से लोग आते थे। चीन के एक सम्राट ने अपना एक पूरा मिशन भेजा कि भारत में जितनी गुफाओं में भित्ति चित्र हैं उनकी प्रतियां की जाएं, और यहाँ से वो जो है वो ले जाके उन्होंने आज जितनी भी सांस्कृतिक निधियां पूरे एशिया के देशों में हैं वो सारी की सारी भारतीय कलाओं की देन है। जब भारतीय कलाएं विदेशों में गई तो उन्होंने गौरव दिया, उन्होंने उत्कर्ष दिया, उन्होंने रसानुभूति दी, उन्होंने ग्रैंडियर की अनुभूति दी, उन्होंने एस्थेटिक्स की अनुभूति दी। उससे पहले इन देशों में कुछ नहीं था, टोम्ब कल्चर था। इट वॉज टोम्ब कल्चर विच वॉज टर्न इन टू टेम्पल कल्चर ओनली आफ्टर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद इंडिया। मैं आप अभी व्यक्त और अव्यक्त की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इस विषय पर कुछ एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि जो एक
कलाकार है वो कुछ कह जाता है और कुछ अनकहा छोड़ जाता है, चाहे वो कवि हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो मूर्तिकार हो। इसका सबसे सुंदर उदाहरण जो आज उपलब्ध हो रहे हैं वो जेन की कला में हो रहे हैं। जो जापान की जेन की कला है, आप उसको देखिए, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो गार्डन की सेटिंग है, आधा कहता है और आधा अकथित छोड़ जाता है। जब जेन कलाकार की तुलिका से कला का सृजन होता है तो उसमें केवल सौंदर्य नहीं है, उसमें अध्यात्म भी है, उसमें उत्कर्ष भी है, उसमें धर्म भी है, उसमें साधना भी है, उसमें तप भी है, और तप त्याग के बिना नहीं होता। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि कला को तप, त्याग और साधना से दूर न करें। कलाकार को केवल कॉपीराइट के लिए कलाकार न बना रहने दें। हम लोग एक ऐसे देश के, ऐसी धरोहर हमें मिली है, उसका चाहे वो हम उसका वैदिक परिप्रेक्ष्य देखें, उसका पौराणिक परिप्रेक्ष्य देखें, उसका और आगे के साहित्य का देखें, अपने कलाकारों का देखें। किसी भी म्यूजियम में चले जाइए, दुनिया भर के म्यूजियम्स जो भरे पड़े हैं, प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी बैठे हैं, अमेरिका के म्यूजियम्स देखिए, उनमें सबसे ज़्यादा उत्कर्ष किनकी कलाओं का दिखाई देता है? वो एशिया के अनेक देशों से ले जाई गई कलाकृतियाँ, उनके चाहे कितने बड़े बड़े म्यूजियम हैं, सब में आपको वो दिखाई देती हैं। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने विलक्षण कलाएं दी हैं, और हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यदि कुछ जानते हैं, समझते हैं, हमने कुछ अध्ययन किया है, तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को ऐसी कुछ दृष्टि दे सकें कि कला जो है उसमें ये तत्व उनका समायोजन रहे, और कला केवल धनार्जन का साधन ना बने। धन अवश्य मिलना चाहिए कलाकार को, परंतु ये समाज का दायित्व बनता है कि वह कलाकार की कलाकृतियों के प्रति संवेदनशील हो, ताकि वह कलाकार अपनी इच्छा, और फिर आज ध्यान को हटा दिया जो कलाकार है, अभी पिछले दिनों जो यहाँ वर्कशॉप हुई उसमें था कि एक चीज बनाते हैं, एक कलाकार एक जैसी चीज बनाता है, वही बनाता चला जाता है, हम कितना बेचेंगे उसको। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने प्रशिक्षण में ध्यान का स्थान मत हटाइए, यदि हम ध्यान का स्थान बनाए रखेंगे तो नित्य नई कलाकृतियां वह कलाकार बना पाएगा। यदि आप उसके ऊपर इतना प्रेशर बना देंगे कि नंबर ऑफ आइटम्स आपको कितने बनाने हैं, तो वो अपने ध्यान से जो एक मूर्त ध्यान में व्यक्ति अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है, और फिर उस अमूर्त से मूर्ति की कल्पना करता हुआ, इसी से मूर्ति शब्द बना, और फिर वह मूर्ति की वहां जो ध्यान में उसको दिखाई देती है दृष्टि, उसको दिखाई देती है, वह उसका स्वरूप जो है एक कलाकृति के रूप में उतारता है। जब हमने उसको समय नहीं दिया ध्यान का, तो वो नई नई संकल्पनाएं, नए नए विचार, नई नई कलाकृतियां नहीं बना पाएगा। तो हमें पूरे इतिहास से जोड़ते हुए, समष्टि भाव से सभी आवश्यक तत्वों को समाविष्ट करते हुए, प्राचीन से सीखते हुए, अपने ग्रंथों से सीखते हुए, अपने शास्त्रीय ग्रंथों से सीखते हुए, उनके आधार पर आगे के कलाकारों को प्रशिक्षण दें। इन शब्दों के मैं साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ये पहला सत्र था, इसलिए टाइम का थोड़ा ध्यान नहीं रहा नहीं। यहाँ पर दो वक्ताओं को और जो चेयरपर्सन थी डॉक्टर शशि बालाजी, सबको सर्टिफिकेट और मोमेंटो हम दे रहे हैं। और जो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सारे लोग, ये पत्रवाचक भी हैं, चेयर भी हैं, वो लोग मॉडरेटर भी हैं, को चेयर भी हैं, तो कुछ बातें हैं जो बताने की ज़रूरत थी। मुझे लगा मैं पहले इन लोगों को फेलिसिटेट कर दें। फिर हमारे जो वक्ता हैं डी कारपेंटर, जो कि फ्रांस से पधार रहे हैं, उनको सम्मानित करेंगे यहाँ सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर। अब हमारे जो दूसरे वक्ता हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद सर, उनको मोमेंटो और सर्टिफिकेट भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन। साथ में आपकी अध्यक्षा डॉक्टर शशि बाला मैम, उनका भी स्वागत करेंगे मैम। शशि मैडम से निवेदन करता हूँ, योगेश शर्मा जी को भी प्रमाण पत्र और
तो एक तो ये बताना था कि जैसे ये इस सत्र में हमने अभिनंदन किया और सर्टिफिकेट दिए, हमारी कोशिश रहेगी कि सभी सत्रों के समापन के अवसर पर ऐसे ही किया जा सके, यानी कि प्रमाण पत्र और उनको भेंट जो वेव्स दे रहा है वो उनको दी जा सके। अभी क्योंकि यहाँ प्लेनरी में हम लोग सुबह से हैं, अब हम तीन स्थानों पर अलग अलग बट जाएंगे। एक तो उसकी सूचना पहले मैं दे देती हूँ, उसके बाद भोजन के लिए कहाँ प्रबंध है वो बताएंगे। एक एकेडमिक सेशन 1A है, फिर एकेडमिक सेशन 1B है और एकेडमिक सेशन 1C है। तो जो एकेडमिक सेशन 1 है वो मेन हॉल जहाँ लिखा हुआ है वो यही जगह है, और जो जनपद साइड कॉन्फ्रेंस रूम लिखा है वो इसी गैलरी के आगे जाकर इसी बिल्डिंग में है कॉन्फ्रेंस रूम। और इनमें जो चेयर करेंगे वो हैं डॉक्टर सत्यकांत शर्मा जी, डॉक्टर आशा पांडे, डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, यहाँ पर जो चलेगा तो वो तीनों उपस्थित हैं। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में जो जगह एकेडमिक सेशन चलेगा उसके चेयर हैं श्री विद्यासागर वर्मा जी, प्रोफेसर पवित्रा मंजरी रथ, डॉक्टर मीना कुमारी। तो आप तीनों भी आ चुके हैं और अपने कमरे में आप अपना कार्यभार देख लेंगे। यंग स्कॉलर सेशन नंबर 1 वो यहाँ से करीब आगे जाकर एक फरलांग तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा, एक इनकी रेड बिल्डिंग है IGNCA की, उसके अंदर है वो लेक्चर हॉल, वहाँ पर ये स्कॉलर्स का सेशन चलेगा, जिसको देखेंगे प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी, डॉक्टर शकुंतला पुंजानी, डॉक्टर सुषमा चौधरी, आप तीनों भी उपस्थित हैं तो आप ये दायित्व लेंगे और इसको इसका निर्वाह करेंगे। प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी को हमने पहले सेशन में इसलिए रखा है क्योंकि वो थोड़ा वहाँ पर देख लेंगे व्यवस्था ठीक हो पा रही है, आगे वैसे ही होती रहेगी। और दूसरा निमित्त था कि जो पुरस्कार रखे गए हैं वो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी श्रीमती कुसुम शर्मा के नाम पर रखे हैं, तो उनको थोड़ी तसल्ली से आपको हो जाए कि सब कुछ ठीक से चल रहा है, इसलिए आपको वहाँ पर पुरस्कार की एक योजना भी चल रही होगी और उसमें लगभग 50 से ऊपर नाम है जो छात्र छात्राएं या यंग टीचर्स यंग स्कॉलर्स हैं उन सबके नाम तीन भागों में बांटे गए हैं। 2 दिन वहाँ होगा, तीसरे दिन इसी तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल में ही वो कार्य होगा और समापन सत्र में उनको पुरस्कार जो भी निकलेंगे वो दिए जाएंगे। तो इस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है जो 50 से ज़्यादा लोग भी उसमें हो सकते हैं अगर कोई और जोड़ना चाहेंगे। और इस सारे कार्य को संपादित करेंगे जो 3 जज हैं हमारे, पहला है डॉक्टर भारत धर्मा, दूसरी है अंजू सेठ और तीसरे हैं डॉक्टर पंकज। ये तीनों बहुत अच्छे समझदार और गुणवान हमारे जजेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी में भूमिका कर चुके हैं या कर रहे हैं पढ़ाने की, तो उनकी बड़ी निरक्षीर विवेक दृष्टि है, उसका वो हमारे को लाभ देंगे। ये जो लेक्चर हॉल के लिए है वो आप लोग डॉक्टर रंजीत बेहरा के साथ उधर जाएंगे एक पहली बार रास्ता जानने के लिए, नहीं तो आप इधर उधर कहीं भटक सकते हैं क्योंकि कलाएँ अभी सिर्फ 64 भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, तो कहीं किसी और कला यहाँ कला कोश कला निधि ये सब शब्द हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग्स के रखे गए हैं। अब जो सबसे करंट की सूचना है वो ये कि भोजन की व्यवस्था भी कला स्वस्ती नाम की कैंटीन में की गई है, तो अभी सब लोग एक साथ चलेंगे तो फिर भटक जाएंगे। और उससे पहले ये रिक्वेस्ट आ रही है कि अभी हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं वो भी हमारे साथ हैं और भी सुबह से जो विद्वान आए थे, तो एक ग्रुप फोटो हो जानी चाहिए अच्छी सी, तो जल्दी से आप लोग इधर आ जाइए फिर कैंटीन में सब लोग चलेंगे जो स्वस्ति नाम की कैंटीन है।